हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब। प्रिय विद्यार्थियों, लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया कृषि रसायन में अपन आज अध्ययन करेंगे, जिसमें आज आप परिचय और मृदा पीएच के बारे में अपन आप डिटेल से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने आपका जैव रसायन वाला जो लेसन था, लेसन नंबर 10, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज अपन लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया सोयल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसका अपन परिचय और फिर बात करेंगे मृदा पीएच के बारे में। अब बात करें अपन मृदा अभिक्रिया से, तो मृदा अभिक्रिया से संदर्भ आपका होता है कि मृदा विलयन। किसकी बात करेंगे? मृदा अभिक्रिया में जो मृदा विलयन है, किसकी बात करेंगे बेटा? मृदा विलयन, मृदा विलयन में उपस्थित H+ तथा OH- आयन, उसकी बात करेंगे। मृदा विलयन में उपस्थित H+ तथा OH- आयन की उपस्थिति का जो संबंध होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मृदा अभिक्रिया में क्या करेंगे अपन? मृदा विलयन में उपस्थित H+ तथा OH- आयनों की उपस्थिति के संबंध के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो अपन को क्या बताएगा कि मृदा क्या है, आपकी अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन। क्लियर? H+ तथा OH- की जो सांद्रता है वो अपन को क्या बताएगी कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अब ध्यान से देखिए, मृदा विलयन में अम्लीय आयन भी उपस्थित होते हैं और क्षारीय आयन भी उपस्थित होते हैं। तो अपन सबसे पहले किसकी बात की कि मृदा अभिक्रिया में अपन किसकी बात करेंगे? मृदा विलयन में उपस्थित H+ तथा OH- आयनों की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे, जो अपन को बताएगी कि मृदा अम्ले है, क्षारीय है या उदासीन है। क्लियर? अगर अपन बात करें मृदा विलयन में, किसकी बात करेंगे अपन? मृदा विलयन में, मृदा विलयन में जो अम्ले आयन है वो H+ तो है ही सही, अम्ले आयन H+ के अलावा कौन कौन से होते हैं आपके? NO3- SO4-, जो क्या करते हैं? अम्लता को बढ़ाते हैं। अब मृदा में कौन से? क्षारीय आयन की बात करूं मैं, क्षारीय आयन कौन कौन सा हो गया? Na+ हो गया, Ca+2 हो गया, Mg+2 हो गया, K+ हो गया, ये सारे क्या है? क्षारीय आयन। ये क्या बढ़ाते हैं? क्षारकता को बढ़ाते हैं। क्लियर बेटा? अम्ले आयन कौन कौन से? H+, NO3- SO4-2 जो अम्लता को बढ़ाएंगे। चार आयन कौन से? Na+, Ca+2, Mg+2 और K+, ये क्या करेंगे? क्षारीयता को बढ़ाएंगे। क्लियर बेटा? आगे बात करें, यदि मृदा विलयन में, यदि मृदा विलयन में, मृदा विलयन में H+ की सांद्रता, ध्यान देना बेटा, ये जो ब्रैकेट बनाया मैंने आपको, इस ब्रैकेट के अंदर अपन किसी को भी लिखेंगे तो ये किसको व्यक्त करेगा? सांद्रता को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? सांद्रता को। सांद्रता किससे ज्यादा है? OH- से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? OH- की सांद्रता से ज्यादा है, तो मृदा क्या होगी आपकी? अम्लीय होगी। मृदा क्या होगी बेटा? अम्लीय होगी। क्लियर बेटा? आगे बात करें, मृदा विलयन में यदि OH- आयन की सांद्रता इससे ज्यादा है, H+ से ज्यादा है, तो मृदा क्या होगी आपकी? क्षारीय होगी। क्या होगी आपकी? क्षारीय होगी। क्लियर? और अगर मृदा विलयन में H+ की सांद्रता OH- आयन की क्या है? बराबर है। H+ की सांद्रता OH- आयन के बराबर है, तो मृदा विलयन की प्रकृति कौन सी होगी? उदासीन होगी। कौन सी होगी बेटा? उदासीन होगी। मृदा विलयन में H+ ज्यादा है
OH माइनस से तो मृदा विलयन कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। OH माइनस ज्यादा है H प्लस से तो कौन सी होगी? क्षारीय प्रकृति का। और अगर दोनों बराबर है तो कौन सी प्रकृति आपकी? उदासीन प्रकृति होगी। क्लियर, ये था आपका मृदा अभिक्रिया का परिचय। अब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो किसी भी विलयन में, मृदा विलयन की ना बात करके अपन किसी सामान्य विलयन की बात करें तो वहां पर H प्लस की सांद्रता को अपन किससे व्यक्त करते हैं? पीएच से। किससे व्यक्त करते हैं? पीएच से। अभिक्रिया कौन सी हो रही है आपकी? मृदा अभिक्रिया। तो अपन क्या नाम दे देंगे उसको? मृदा पीएच। क्या नाम दे देंगे? मृदा मृदा पीएच। आगे बात समझ में? अब अपन समझेंगे किसको? मृदा पीएच को, कि मृदा पीएच क्या होती है। ये चीज समझ में आई होगी सबको, आया ना? आगे चलें, देखिए आप मृदा पीएच को। मृदा पीएच को समझने से पहले अपन किसकी बात करेंगे? अपन जल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपन जल की बात करेंगे। जल का सूत्र सबको पता है क्या होता है? H2O। क्या होता है? अगर अपन कहें शुद्ध जल जिसमें ओनली क्या है? H प्लस और OH माइनस आयन। शुद्ध जल अगर है तो वो क्या होगा आपका? शुद्ध जल विद्युत का क्या होगा? उचालक। क्या होगा बेटा? उचालक। शुद्ध जल विद्युत का उचालक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस के अलावा कुछ होता ही नहीं है, उसी को कहेंगे शुद्ध जल। तो विद्युत क्या हो गया? वो उचालक। और सामान्य ताप पर शुद्ध जल का वियोजन कैसे होता है? H प्लस प्लस OH माइनस। किसमें होता है? H प्लस और OH माइनस। वियोजन का मतलब टूटना। किसमें टूट गया? H प्लस और OH माइनस। क्लियर। अब यहां पर एक नियम पढ़ेंगे अपन, कौन सा? द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से। पढ़ा हुआ अपने 11वीं क्लास में, साम्यावस्था में पढ़ा हुआ। क्लियर। इसमें क्या होता है, एक स्थिरांक लेते हैं अपन K बराबर। K बराबर क्या है यहां पर? K बराबर है अभिक्रिया स्थिरांक। क्या है बेटा? अभिक्रिया स्थिरांक। के बराबर क्या कहता है? उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो यहां पर अपन लेंगे H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता बटा H2O की सांद्रता। क्लियर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? K इंटू H2O की सांद्रता बराबर H प्लस और OH माइनस। K इंटू H2O की सांद्रता बराबर H प्लस और OH माइनस। अब यहां पर इस K इंटू H2O की सांद्रता के गुणनफल को अपन क्या लिखेंगे? KW, जल का आयनिक गुणनफल। क्या बोलेंगे? जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक स्थिरांक कह सकते हैं अपन यहां पर। क्लियर। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? KW बराबर H प्लस की सांद्रता गुणा OH माइनस की सांद्रता। क्लियर। अतः जल का आयनिक गुणनफल किसके बराबर हुआ? H प्लस की सांद्रता तथा OH माइनस आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? जल का आयनिक स्थिरांक या जल का आयनिक गुणनफल। क्लियर। इसका मान सामान्य ताप पर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 10^-14 ग्राम आयन प्रति लीटर। क्या होता है? 10^-14 ग्राम आयन प्रति लीटर। क्योंकि
शुद्ध जल में H प्लस की सांद्रता होती है 10^-7 और OH की होती है 10^-7, दोनों का गुणनफल क्या जाएगा 10^-14 ये क्या था अपने पास में जल का वियोजन, जिससे अपन को क्या प्राप्त हुआ, जल का आयनिक गुणनफल, जिसका मान कितना प्राप्त होता है 10^-14। क्यों? क्योंकि जल में H प्लस की सांद्रता होती है 10^-7 और OH माइनस की सांद्रता होती है 10^-7, दोनों गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 10^-14 ग्राम आयन प्रति लीटर। आगे बात समझ में क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपन वास्तविकता में पीएच, इसकी बात कर लेते हैं अपन पीएच। अब देखिए पीएच शब्द जो दिया था वो दिया था वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। कौन था बेटा? सोरेनसन। देखिए पीएच शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? सोरेनसन, ध्यान रखना है आप, किसने दिया था बेटा? सोरेनसन, जिसमें पी का मतलब होता है पोटेंशियल, जो क्या है आपका एक जर्मन वर्ड, या कहेंगे पोटेंशियल ऑफ H प्लस आई, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आई। यह शब्द किसने दिया? सोरेनसन ने, जिसमें पी का मतलब पोटेंस, जो जर्मन शब्द है, या कहेंगे पोटेंशियल, इसका H प्लस आयन का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, ये तो मीनिंग हुआ किसका? पीएच। अब बात करते हैं अपन पीएच की परिभाषा। पीएच बराबर होता है, सूत्र में बनाओ तो पीएच बराबर होता है लॉग 1/ H प्लस की सांद्रता, या पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस की सांद्रता, राइट। अब अपन मृदा पीएच की बात कर रहे हैं तो अपन किसकी बात करेंगे? मृदा विलयन की। किसकी बात करेंगे? मृदा विलयन, राइट। तो मृदा विलयन में उपस्थित एच प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक के व्युत्क्रम को, लोक मतलब क्या होता है? लघुगणक। लघुगणक के व्युत्क्रम को कहा जाता है पीएच कहा जाता है। मृदा विलयन में उपस्थित एच प्लस आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को कहेंगे, एच प्लस आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को क्या कहते हैं अपन? पीएच कहते हैं। दूसरी परिभाषा दूं मैं आपको, मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। कहा जाता है पीएच कहा जाता है। क्लियर बेटा? अब यहां पर H प्लस ही नहीं, OH माइनस भी होता है। क्या होता है? OH माइनस, उसको अपन किससे व्यक्त करेंगे? पी OH से। किससे व्यक्त करेंगे उसको अपन? पीओएच से। पीएच वैसे क्या है? पीओएच। तो पीओएच बराबर हो गया लॉग 1/ ओएच माइनस आयन की सांद्रता, या पीओएच बराबर माइनस लॉग ओएच माइनस आयन की सांद्रता। क्लियर? तो अगर परिभाषा दे अपन किसकी? पीओएच की। किसकी परिभाषा दे? पीओएच की। क्लियर? तो यहां पर अपन कैसे कहेंगे कि मृदा विलयन में उपस्थित ओएच माइनस आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को, ओएच माइनस आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को क्या कहते हैं? पीओएच। या मृदा विलयन में उपस्थित OH माइनस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? POH कहा जाता है। आई बात समझ में? दोनों परिभाषा, पीएच की परिभाषा वैसे ही है और पीओएच की परिभाषा भी वैसे ही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
आगे चलें, अब यहाँ पर पीएच और पीओएच में संबंध होता है, वो क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है, 14 के बराबर, पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है बेटा, 14 के बराबर होता है। कैसे होता है एक बार बता देता हूं मैं आपको, कैसे होता है वो देख लीजिए, पीएच प्लस पीओएच दोनों का योग किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। अब देखिए पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस की सांद्रता, होता है नहीं होता, और पीओएच बराबर भी क्या होता है, माइनस लॉग ओएच माइनस की सांद्रता। और आपको पता है शुद्ध जल में एच प्लस की सांद्रता कितनी होती है, 10^-7, और ओएच माइनस की कितनी होती है, 10^-7। शब्दोमान पीएच बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग 10^-7 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो ये पावर कहां जाती है, आगे माइनस 7 आगे आएंगे तो क्या होगा, 7, फिर क्या बचेगा, लॉग 10, और आप जानते हो लॉग 10 का मान होता है 1, लॉग 10 का मान कितना होता है 1, तो अपने पास में पीएच का मान कितना आ गया, अपने पास में 7, कितना आ गया 7। अब बात कर लेते हैं पीओएच की, तो पीओएच बराबर क्या आ गया, माइनस लॉग ओएच माइनस की सांद्रता, क्लियर, तो पीओएच बराबर माइनस लॉग 10^-7, पावर आगे जाती है माइनस 7 से माइनस गुणा होगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, क्या बचेगा, लॉग 10, लॉग 10 का मान कितना 1, तो पीओएच बराबर में कितना आ गया 7, दोनों को मान यहां रखेंगे तो 7+7 कितने हो गए, 14 हो गया आपके। इस तरह से पीएच और पीओएच का मान कितना आया, 14, दोनों के योग का मान कितना आया, आपके सामने है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस की सांद्रता, पीओएच बराबर माइनस लॉग ओएच माइनस की सांद्रता, एच प्लस की सांद्रता का मान 10^-7 ग्राम आयन प्रति लीटर, ओएच माइनस आयन की सांद्रता 10^-7 ग्राम आयन प्रति लीटर, लॉग 10 का मान 1। अब इनका मान रखते हैं, ये एच की जगह मैंने ये रख दिया, पावर आगे चली जाती है माइनस 7 से माइनस गुणा होगा तो प्लस का 7, लॉग 10 की जगह 1 रख दिया तो पीएच का मान कितना गया 7, वैसे पीओएच का मान भी कितना गया 7, और दोनों का योग कितना जाएगा 14। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू क्लास।